Hi everyone, this is Yukti Belwal and this is my first ever video on MBBS in Russia. We've been sending students to Russia in some selected university where the education is good and the language is taught in full English medium. The studies are done in full English medium. I haven't made any video on MBBS Russia because when I was in Russia, I definitely was not doing this work of promoting universities and bringing this that on YouTube because I went there way back. But definitely because of having information of Russia and the popularity of Russia, we have been sending students to universities of Russia. Let me talk some history about studying MBBS Russia. So Russia, Rus, Soviet Sang. जब एक ही पार्ट था उस वक्त भारत और रूस के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे और उस वक्त इंडिया से रशिया जाना फ्री ऑफ कॉस्ट की पढ़ाई होती थी. MBBS जो पढ़ने जाते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे. रशिया इसलिए बहुत पॉपुलर होता था अमंग स्टूडेंट्स जो उस वक्त डॉक्टर बनना चाहते थे. उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी न्यू कंट्रीज आई हैं, लेकिन रशिया ऑफ कोर्स एक बहुत पॉपुलर नाम है बिकॉज उस वक्त से ये चला आ रहा है. तब MCI के कोई नॉर्म्स नहीं थे, तब MCI की कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है आपको, कहाँ जाके आप अब्रॉड से पढ़ाई कर सकते हो, ना ही उस वक्त MCI का कोई एग्ज़ाम हुआ करता था. सो देयर वाज नो एग्जामिनेशन ऑफ MCI एंड द स्टडी एजुकेशन ऑफ रशिया स्पेशली MBBS वॉज फ्री. सो डेफिनेटली अगर आप थोड़े पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको इस बात के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे. सो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से MBBS रशिया हैज़ बीन वेरी वेरी पॉपुलर सिंस मेनी ईयर्स अमंग इंडियन स्टूडेंट्स. उस वक्त वहाँ से आके पढ़ने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते थे. आई नो गुड ओल्ड डेज बट नाउ थिंग्स हैव चेंज. सो बेसिकली धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने लगे रशिया और वहाँ से आने के बाद उनकी क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने लगा. देन MCI डिसाइडेड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दैट उन्होंने लिस्ट कर दी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे पढ़ के जाएंगे तो ही वो इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं. उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स जो एक शेड्यूल थर्ड शेड्यूल जो आया था, थर्ड अमेंडमेंट आया MCI का, उसके बाद ये हुआ कि जो भी अब्रॉड में जाएगा इस यूनिवर्सिटी में जाएगा इन जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में, और आने के बाद उन्हें एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा तभी वो डॉक्टर बन पाएंगे. और अभी लेटेस्ट रूल के हिसाब से नीट पास करके अब्रॉड जाना है इन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में और इंडिया आने के बाद एग्ज़ाम देना है, इंटर्नशिप करनी है, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं. रशिया इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री एंड दे हैव वेरी वेरी बिग नंबर ऑफ अबाउट 80-90 यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिकल भी पढ़ाती हैं, दे आर मेनी ऑफ देम. सो बट नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर डेफिनेटली नॉट गुड. जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, कौन सी कम, ऐसे ही रशिया में भी है. सो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने से पहले ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं विच यू हैव टू टेक केयर बिफोर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया. हेयर इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल बी कवरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेलेक्ट अ गुड यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया इफ इन केस यू अप्लाइंग टू गो टू रशिया फॉर MBBS. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एंड इट कवर्स हाफ ऑफ द ग्लोब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. सो डेफिनेटली एक रेपुटेशन है रशिया का और एक जो लार्जेस्ट कंट्री है पढ़ने का चीज़ें हैं जो आपको लगता हो कि हाँ क्यों नहीं वाई नॉट रशिया. सो डेफिनेटली रशिया इज़ अ कंट्री दैट कवर्स हाफ ऑफ द ग्लोब एंड हैज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटीज़ देयर, ब्यूटीफुल स्टेट्स जहाँ पे जिसकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाई कर सकते हैं. So let me tell you, there are 86 universities of Russia, medical, non-medical, both. When I say non-medical, they are universities, but they have faculty of medicine in their university. So agar aap dekhenge search.wdoms.org mein, so there are 86 names which you find here. And ye sari jo universities hain, ye aap check kar sakte hain khud jaake bhi, aur iske andar jaake bhi aapko bahut sari details milti hain. So उनमें से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में 54 हैं, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ पहले आपको दिखाई गई उनमें से 54 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, यानी आपको इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से जाना चाहिए अब्रॉड में, इन्हीं यूनिवर्सिटी में से जाना चाहिए रशिया में अपनी पढ़ाई करने के लिए. इसको इस यूनिवर्सिटी जानकारी लेने के लिए आप MCIIndia.org पर जाके भी डिटेल देख सकते हैं. अगर ऑफ कोर्स आई ऑलवेज कवर सेफ्टी इंडेक्स इन ऑल द प्रेजेंटेशन दैट आई गिव. सो हियर आल्सो आई एम पुटिंग देयर इज अ ग्लोबल फाइनेंस
सेफ्टी इंडेक्स जिसमें 128 कंट्रीज़ थी, जिनमें से बहुत सारी, जैसे हम किर्गिस्तान भी करते हैं और भी सारी कंट्रीज़ हैं, और उनमें से जो इंडिया का है वो 12.85 और रशिया का 12.94 है। तो जितनी ही सेफ इंडिया है उतना ही ऑलमोस्ट सेफ्टी इंडेक्स में रशिया का भी नाम आ रहा है। इसी के साथ मैं ये भी बोलूँगी दैट यू योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, इट डजेंट मीन दैट इट्स सेफ और इट्स नॉट सेफ। इफ़ द इंडेक्स कहीं भी ऊपर नीचे दिखाता है कंट्री को, तो सेफ्टी फिर भी आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं उस कंट्री में। द करेंसी ऑफ रशिया इज रशियन रूबल विच इज़ 1.20 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल है इंडियन करेंसी के हिसाब से। यानी कि अगर आपको एक रूबल चाहिए तो आपको 1.20 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, उसी रेशियो में आपके पैसे वहाँ पहुँचते हैं अगर आप अब्रॉड में, अगर आप रशिया में पैसे भिजवाते हैं तो। सो टॉप सिटीज़ ऑफ रशिया, दीज आर द टॉप सिटीज़। नंबर वन पे डेफिनेटली आता है मॉस्को। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो सेंट पीटर्सबर्ग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सेंट पीटर्सबर्ग को बहुत ही सुंदर सिटी कहा जाता है, मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक यहाँ पे, बट डेफिनेटली इन इज़ वन ऑफ इन माई बकेट लिस्ट। एंड थर्ड नंबर पे कजान बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ रशिया। ये आपकी ओवरऑल जानकारी के लिए ही मैंने डिटेल दी है। आई वॉज देयर इन रशिया 2012 एंड इट वॉज नवम्बर, आई रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज नवम्बर, यस इट वॉज। सो विंटर्स की अगर बात करें, रशिया में जो विंटर्स हैं वो -15 से -20 होती हैं, और मैं ये उस जगह की बात हूँ जो इनहैबिटेड है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इतना ही टेम्परेचर माइनस में जाता है। समर्स में आपका प्लेजेंट है 19 से 26 डिग्रीज पे। डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ की जो विंटर्स है रशिया की वो लॉन्गर पीरियड टाइम तक स्टे करती हैं। अदर अगर आप ये कंपेयर करें कि ठीक है टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लॉन्गेस्ट रहती है रशिया में, बीइंग रशिया वेरी कोल्ड कंट्री। इस तरह से रशिया का वीज़ा लगता है जो कि बहुत इजी है लगाना, अगर आप एज अ टूरिस्ट भी जाना चाहते हैं तो भी बहुत इजी है रशिया का वीज़ा लगना। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो आती है यहाँ पे, आपके डिटेल्स वगैरह आती हैं, और इसमें कोड भी होता है जिससे आपको पता चला कि आपका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, या कैसा वीज़ा पे आप जा रहे हैं रशिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ रशिया, एडमिशन प्रोसेस इज़ अगैन वेरी वेरी इजी, द ईजीएस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट आई डील इन बेसिकली। सो बेसिकली आपको एडमिशन लेटर जो है वो चाहिए होता है। आपको सबसे पहले अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका वहाँ से एडमिशन लेटर आता है, फिर आता है इन्विटेशन लेटर जिसकी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है। इस तरह का लेटर आपका यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री से आता है बेसिकली, आफ्टर यूनिवर्सिटी गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स दे वॉन्ट टू इन्वाइट टू द कंट्री, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इन्विटेशन लेटर। सो इसको आप सबमिट कर देते हैं VFS में, ठीक है, और आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है अकॉर्डिंगली। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एंट्री वीज़ा मिलता है, और एंट्री वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो एक्सटेंडेबल होता है, यानी कि आप जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, व्हेन यू रीच द यूनिवर्सिटी इट एक्सटेंड्स फॉर वन ईयर, नेक्स्ट वन ईयर, एंड एवरी ईयर इट विल रिन्यू बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल एक्सटेंडेबल वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा इज़ दैट, नॉट टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा डजंट एक्सटेंड अनटिल अनलेस देयर इज सम इशू एंड द एम्बेसी अप्रूव्स दैट, द मिनिस्ट्री अप्रूव्स दैट। सो दिस विल अलाउ यू टू हैव अ एक्सटेंडेबल वीज़ा देयर, एंड जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहती है आपका वीज़ा हर साल एक्सटेंड होता है अगर आप पास करते रहते हैं तो। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी अबाउट दिस ओवर द कॉमेंट सेक्शंस एंड आई सेड दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो अप। सो देयर इज ऑलवेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइस, हर यूनिवर्सिटी में, हर कंट्री में एंट्रेंस एग्जाम होता है, रशिया में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। नाउ सम यूनिवर्सिटीज़ डोंट रियली टेक इट वेरी सीरियसली, बट सम यूनिवर्सिटी डेफिनेटली टेक इट वेरी सीरियसली। इफ यू डोंट पास दैट एग्जामिनेशन यू हैव टू इधर कम बैक, मोस्टली मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू कम बैक टू द कंट्री, दे विल नॉट गिव एक्सटेंड योर वीज़ा एंड योर वीज़ा विल एक्सपायर, यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री। एंड सम यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट बॉदर, यू पास यू फेल दे जस्ट डू एज अ फॉर्मैलिटी। सो जो यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे डिटेल है, मुझे पता है, मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट आई डू, रशियन नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, देयर इज अ मेडिकल वर्ड ऑल्सो, आई एम सॉरी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आई एम सचनोवा मॉस्को मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड M1, एंड वॉल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, ये एग्ज़ाम लेते हैं सबसे ज़्यादा जो है क्रूशल एग्ज़ाम, जो अपने एग्ज़ाम को बहुत
एज एन एंट्रेंस एग्जाम ही लेते हैं वो, ये दो यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ यू गो देयर एंड यू डोंट क्लियर द एग्जामिनेशन, दे विल ऑफर यू टू ईदर टेक एडमिशन प्री मेड और गो बैक टू योर कंट्री बिकॉज यू डोंट थिंक यू फिट टू स्टार्ट योर मेडिसिन बिकॉज योर कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर एंड यू हैवन परफॉर्म गुड इन दैट एग्जामिनेशन. सो दैट आई हैपन. सो आपका एडमिशन हो जाता है, योर वीज़ा इज डन, यू रीच द कंट्री, यू गिव दिस एग्जामिनेशन एंड इफ यू डोंट क्लियर द एग्जामिनेशन यू हैव टू कम बैक. We send many students, but hardly like one or two will not be able to, and they can have a choice that they can shift to another university or they can start pre-med course in that same universities as well. So if you want to study in the same university, then you can continue. तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से देना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सी कंट्री यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम से यू शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट. We will be giving you sample papers for preparation. We will be giving you all the necessary details. जिससे कि आपका जो चांस है वो एकदम जीरो हो जाए कि आप उसमें पास ना कर पाओ. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट द MBBS सिलेबस ऑफ रशिया. सो मैंने इसको सेमेस्टर वाइज करा है तो टोटल आपको 12 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं. ओके, सो इन द फर्स्ट ईयर दैट इज 2 सेमेस्टर यू विल बी स्टडिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, लैटिन एंड पब्लिक हेल्थ. इसके साथ आपको एडिशनल सब्जेक्ट कुछ पढ़ने पड़ते हैं जो कि स्पेसिफिक वहीं के लिए होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, रशियन लैंग्वेज एंड फिजिकल ट्रेनिंग. फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ फिट, एज अ डॉक्टर ऑल्सो यू शुड बी प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वेल. ओके, तो ये एक्स्ट्रा है क्योंकि आपको वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की इकोनॉमिक और फिलॉसफी, रशियन लैंग्वेज वगैरह पढ़नी पड़ती है. थर्ड टू फोर्थ सेमेस्टर में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, हाइजीन, ट्रॉपिकल बायोलॉजी पढ़ते हैं. उसके अलावा जो एडिशनल होते हैं वो ये सब हैं, फिजियोलॉजी, सॉरी, साइकोलॉजी, मेडिकल लॉ, बायोएथिक्स एंड रशियन लैंग्वेज फॉर डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन. इस चीज़ में मैं बाद में आऊँगी, व्हाट इज़ रशियन लैंग्वेज फॉर डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन. सो आपका जो थर्ड है उसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इंटरनल डिजीज, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी. देन सेवन सेमेस्टर में आपकी जनरल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थमोलॉजी. अच्छा, ये जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं ये नॉन क्लिनिकल हैं, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं, एंड दीज 3 ईयर्स विल मोर इंड्यूस्ड और प्रोन टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ हाउ द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इन रशिया और इन सिमिलर काइंड ऑफ जो भी, जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इन सब में जो पढ़ाते हैं वो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है. सो जनरल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थमोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स, ये सब जो हैं आप पढ़ेंगे. Also, you have to prepare case history of the patient. Your visits to the hospital will start. So, तो आप एक बार देखिए, सो जो क्लर्कशिप कहते हैं, जो हॉस्पिटल विजिट्स कहते हैं, वो आपका थर्ड ईयर से डिवाइडेड हो जाता है विद द काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग. ओके, सो इट्स नॉट सेपरेट, इट्स नॉट 5+1, इट्स 6+3. अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई ऑल्सो द इंटर्नशिप जो रशिया, यूक्रेन वगैरह की है वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है. दे डिवाइड देयर थिंग्स इन द लास्ट 3 ईयर्स. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड. दिस इज थ्री. आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड टू एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स एज वेल. स्कॉलरशिप्स इन रशिया. सो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे सवाल ज़रूर पूछते हैं कि मैम व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप, डू वी गेट एनी स्कॉलरशिप इन रशिया. सो नो, देयर इज नो स्कॉलरशिप. बेसिकली व्हाट इज द मोटिव टू गिव स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई यूनिवर्सिटी को वो प्रमोट करना चाहते हैं द गवर्नमेंट और किसी कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं तब वो उसको उसमें स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप की वजह से उस कोर्स को या उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें. रशियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है एक, और वो मार्च अप्रैल में फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत दूर दराज वाली यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं आपको, जो टॉप मोस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है एज पर माई नॉलेज, बिकॉज आई बीन टू दिस सिस्टम एंड आई नो आई मेड स्टूडेंट्स फिल दिस फॉर्म. सो देर इज़ नो स्कॉलरशिप फॉर MD कोर्स. हाँ, ऐसे कोई बहुत से कोई टूरिज्म हो गया और
I'm not very tourism. I know someone went there with the scholarship. तो mostly आपको जो scholarship मिलती है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है, हॉस्टल अकोमोडेशन आपको पे करना पड़ता है. Sometimes maybe the hostel also included, but then your food expenses you have to pay yourself. Mostly scholarship is given for the less popular universities or less popular course. So I hope you understood this. So जहाँ पे already demand है वहाँ के लिए कोई scholarship देने का उनका नहीं है ऐसा कोई profession. So if you have been told about scholarship in Russia, I think that's wrong information. Okay. Now coming back to very important thing, medium of instruction. So very few universities in Russia has 6 years English medium course. That is very much true. That is what happens. 6 years कहीं पे नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब 90% universities में bilingual है. Most of the university has 3:3 or 4:2 ratio, which means 3 years English and 3 years Russian medium, or 4 years English and 2 year Russian program. So this is what it is. आपको इस तरह से ready रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए. Russian language learning is must. So the environment in Russia is such that people prefer to speak in Russian only. They do not like to speak in English. They refrain themselves from speaking in English. That's why students feel the need of learning language, and that's why 2 years जो है आपको दो दो घंटे की क्लास होंगी, 2 hours class for Russian language will be there to make sure that you are ready to speak in Russian very well. Many experienced teachers are more fluent in Russian. That is also one thing. वहाँ पर predominantly Russian language चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो अच्छे teachers होते हैं उनको Russian आती है, वो English में इतने fluent नहीं होते, and that's why the communication barrier occurs between the teacher and the student. Sometimes even there is an interpreter between student and teacher, that I have heard from the students, which creates a lot of communication gap. Hence, you will be taught Russian for the 3 semesters initially. तो आपके जो first 3 semesters हैं उसमें काफ़ी focused तरीके से आपको Russian सिखाई जाती है. So there are some universities definitely which are providing a full English medium. That is Crimean Federal University, Russian National Research Medical University, Volgograd Medical University and Far Eastern. There can be few more, not in my knowledge also. But उसका भी मैं समझने का तरीका आपको बताऊँगी, कैसे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि वो रशियन मीडियम में ही पढ़ाती हैं इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं. सो दैट इज़ थिंग. सो फर्स्ट नंबर पर डेफिनेटली क्रीमिया आती है. क्रीमिया के बारे में मैं आपको बता दूँ, पहले क्रीमिया यूनिवर्सिटी यूक्रेन का पार्ट था. यूक्रेन में फुल इंग्लिश मीडियम ही चलता है, एंड वेन दिस यूनिवर्सिटी वॉज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन ऑल्सो वॉज वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स हैव कम आउट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. नाउ दैट इज इट्स ऑटोनॉमस रिपब्लिक under Russian government, then only this is one of the very good universities. They have still have the full 6 years ka option chal raha hai jaise pehle chalta tha, still they are teaching in English. Russian National Research is in Moscow. They have English medium thing. Volgograd has 2 options. You can either select 3:3 wala, or you can select full 6 years wala. They have 2 fee structures also divided for that. Also, as per my information, Far Eastern Federal University is also teaching in English medium, but I have to still take the feedback. Abhi I am put it here, but I'll still take the feedback of the students. So coming to the fee structure, this is Crimea Federal University. There's so many names of this university, but Crimea Federal University, CFU, ho gaya jab se Russian Federal mein aayi hai. To $3,700 is the ट्यूशन फीस, $200 to $400 is the हॉस्टल फीस. मेडिकल इंश्योरेंस आपका ऑलमोस्ट हर जगह पे लगता है. टोटल पैकेज आपको खाना पीना मिला के सब कुछ मिला के 20 से 25 लाख आएगा. ये हमने सब कुछ ऐड करके आपको एक बजट दे दिया है. हाउ कैन यू चेक दैट यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी? यू हैव टू ऐड योर बायो मार्क्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स, ऑफकोर्स विद द थियोरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर योर स्कोर इज 120 एंड अबव. इफ इट इज This year they have reduced it to 120. Earlier it was 140. So if you have 120 and above, you are eligible for Crimea. You can apply for this university. Okay. They now have started online entrance examination, जो मैंने आपको पहले बताया था. So ये बहुत beneficial है students के लिए. अगर आप लोग you want to apply for this university, you have to register for this entrance examination. You can contact us. Our number is 1-800-270-8009. We'll give you more details about this university. So you must be having a NEET registration application, 12th mark sheet, passing certificate. It could be hard copy, or agar aapke isi saal result aaya to you can also give the downloaded form from internet. If you have passport then front and back, if not then you can also apply through your Aadhaar card front and back. So
So they have started their admission process, and hence they have started their online entrance exam registration. So if you're interested for this university, if it's in your budget, and if you're eligible for this university, then you should start the admission process. Why do we recommend this university? Because एक minimum cutoff होना is somewhere tells that how particular the university is for the kind of students they want to teach, you know. And this somewhere create a kind of mark among the students also. So at least biochemistry 140 marks हों तो ही बच्चा पढ़े, तो उन्होंने इस तरह का students का करा है जो अच्छे students हैं. Entrance exam helps in eradicating students who might not be apt for studying in the university. So they are trying to make it work that only good students study here. So also the environment of good students is created. Full course English medium allows students to be more well versed with English medical terminology, hence better standards of pass out doctors. That is true. Many of the students I have talked with, they are really really good doctors and very well versed with the medical terminology and understanding, because the whole program is taught in English medium. CFU students have been giving very good MCI passing results, above 30% consecutively from past many years, proving the competence of its study standards. So result bhi kaafi time se 30, 34, 37 aise result aa raha hai MCI ka. The other university I mentioned is the one in Russia, it's Pirogov Russian National Research Medical University. Iska fees aap dekh sakte hain almost double hai, because definitely Moscow is costly city. ये मिनिमम से मैक्सिमम है, इससे भी महंगा हॉस्टल आ सकता है. मेडिकल इंश्योरेंस 100-150 है जो कि नॉर्मली है, लेकिन सर टोटल पैकेज 30-35 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख ज़्यादा आएगा कंपेरेटिवली टू अदर्स. आपका 70% मार्क्स इन पीसी भी चाहिए, बट ये रिड्यूस भी होने के चांस है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रशियन नेशनल रिसर्च में अप्लाई करने के लिए, दिस इज़ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन मॉस्को कंपेयर टू अदर जो मॉस्को में और भी हैं. फर्स्ट मॉस्को मेडिकल हो गई एंड पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी है, उन सब में से ये चीप है. Volgograd, which is down south in Russia, iski fees hai $5,900, hostel $750, and medical insurance. Iska budget aapko 29-32 lakh tak aayega. 60% is the marks in PCB. This the course is in English medium wala diya hai maine. Thoda sa English medium ka badh bhi sakta hai. Agar aapko detail, agar fee structure chahiye, to aap hame contact kar sakte hain. Now this is Far Eastern Federal University. I just added it this year only. After getting a good review from the students, and the fee structure is $4,500, hostel is $600, medical insurance is similar hai. Ye Japan ke paas hai, ekdam extreme west ki taraf aata hai. I'm sure this is west, extreme dusri taraf aata hai. Climatically theek hai, and university is very modern in approach, so definitely could be good. And yahan pe kuch aisa entrance exam नहीं जो इतना इफेक्ट करेगा आपको कि आपको वापस आना पड़ेगा कुछ ऐसा. इसका जो टोटल पैकेज है 25-27 लाख पड़ रहा है, 60% आपके मार्क्स रहेंगे इन पीसीबी. फॉर मोर डिटेल्स डेफिनेटली यू शुड कॉन्टैक्ट अस. नाउ कमिंग बैक टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो मैंने साइड में एक इमेज लगाई है, इट्स द चैट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स. और कोइंसिडेंटली दिस मॉर्निंग ऑल्सो आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी. He said that they were told that it is full English medium university, but now that when they came to the second year, now they were understanding that this is a bilingual university. यानी कि third year के बाद से उन्हें Russian medium में पढ़ाई करनी है, exam देने हैं. Pathology का exam already उनका Russian medium में हुआ है, and they are facing a lot of issue. So student ने मुझे message किया, ma'am, I need your urgent help. Actually, can I change my university? Can I take transfer in third year in another university? I'm currently studying in Russia, Siberia, Kemerovo State Medical University. The problem I'll face will now start from the coming September, beginning of the third year, because studies will be totally in Russian language medium. Aur agar aapko aur bhi chat ka chahiye to main definitely bata dungi. So you should go to the Russia with a mindset of studying in Russian medium. Yahi reason hai ki I have not promoted it that much. Reason being ki students do face issues because not many universities are in Russian medium, are in English medium there. search.wdo में सभी हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है वहाँ पर. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स इवन द रेफरेंस नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन ऑल्सो लाई इन ड्यू ऑफ द प्रेशर फ्रॉम इट्स कंसल्टेंसी टू से दैट इट इज इंग्लिश मीडियम. आज जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने मुझे ये बोला कि उन्हें अब जाके सेकेंड ईयर में आके पता चला है कि एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी है वो बायलिंगुअल है. अभी तक तो उन्हें ये लग रहा था कि फर्स्ट टू इयर्स थ्री इयर्स तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई होती है. तो इंग्लिश में पढ़ाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन लैंग्वेज को सीखना. नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई दैट थिंग,
तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर आप जब तक आप ये पढ़ते हो ना नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, तब तक इंग्लिश में पढ़ाना ठीक होता है, और वो आपको 2 साल तक तो रशियन पढ़ा ही रहे हैं, तो आप काफ़ी ट्रेन हो जाते हो रशियन लैंग्वेज में। यहाँ से जैसे हॉस्पिटल में आपकी जो पढ़ाई होती है, इस वजह से पूरा सब सिलेबस आपका रशियन लैंग्वेज में होने लग जाता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड बेलारूस, ये दोनों एक साइड में, इज़ दैट ये कोई टेस्ट एग्ज़ाम उस लैंग्वेज में नहीं लेते हैं, ना ही ये पूरा सिलेबस उसमें कर देते हैं, ना पूरा टीचिंग चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन लेवल तक के लिए आपको वो ज़रूरी होती है ना। अगर आपको टेस्ट, अगर आपको रशियन लैंग्वेज देना पड़े, लाइक रशियन में लिखना पड़े, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है। ये डिफरेंस है बेसिकली। ये तो बोला ही जाता है कि सिर्फ डॉक्टर पेशेंट से कम्युनिकेशन के लिए है, पर यहाँ पे रशिया में ऐसा नहीं होता है। रशिया में आपके टेस्ट आपको रशियन लैंग्वेज में देने पड़ते हैं। अगर आप रशियन लैंग्वेज के एग्ज़ाम में पास नहीं होते, तो आपको फेल कर देते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो रशिया में आते हैं। यही वजह है कि मैं प्रमोट नहीं करती थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इन रशियन यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट ने हमें इसके बारे में बताया कि कैमरोवो जो है उसमें इशू आ रहा है। तो अगर वो बच्चा इस वेबसाइट में जाता, तो यहाँ पे से यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम डिटेल्स में जाना है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रशियन मीडियम, एंड इवन द क्वालिफिकेशन टाइटल इज राज, जो कि वहाँ की लैंग्वेज में ही बोला गया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रशियन। सो आपको समझना चाहिए कि आपको कैसे चेक करके जाना चाहिए था। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक और दो यूनिवर्सिटी के बारे में हम सर्च करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हर जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको कंट्री चेंज करके बता देती हूँ। मैं डेफिनेटली, जैसे मैं आप लोगों को सबसे बेलारूस के बारे में बोलती हूँ, मैं उसके बारे में ही आपको डिटेल देना चाहूँगी। बेलारूस के बारे में अगर आप सर्च करें, ये जो है मेडिसिन रशियन है, तो ये पार्ट अलग है। नाउ दिस इज मेडिसिन इन इंग्लिश। सो यहाँ पे 6 ईयर्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, सो दैट्स वेयर इट मैटर्स। अगर आपके पास एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते आप? सो गाइज, रशिया जाइए, डेफिनेटली जाइए। रशिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू स्टडी मेडिसिन। द ओनली इशू इज़ द लैंग्वेज बैरियर, एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, डेफिनेटली यू शुड चूज़ रशिया। आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, ट्राई नॉट गोइंग टू एनी सिटी विच इज़ स्मॉलर, और जो ज़्यादा मौसम दूर हो, पॉपुलेशन चेक करिए, चेक द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, चेक द कम्यूट ईजीनेस ऑफ, बिकॉज रशिया इज़ वेरी वेरी बिग, रशिया इज़ वेरी वेरी बिग। यू शुड बी श्योर ऑफ योर रीचिंग आउट टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द मॉस्को सिटी, कैसे पहुँचना है, क्या पहुँचना है। आसपास के इलाकों में ही पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉस्को में इफ़ यू हैव बजट अप टू 30-35-40 लाख्स, तब आप मॉस्को में रशियन नेशनल रिसर्च में पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव बजट ऑफ 20-25 लाख्स, देन क्रेमिया इज़ वन ऑफ देम, एंड अदरवाइज वी हैव फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, वॉल्गोग्राद यूनिवर्सिटी, विच आर वेल वेरीफाइड। सो वी डू सेंड स्टूडेंट्स टू बायलिंगुअल आफ्टर टेलिंग दैम दिस इज़ अ बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी, आर यू ओके विद दैट? सो मेनी ऑफ द कंसल्टेंसीज डू हाइड दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट टू सेल द यूनिवर्सिटी, मे बी बिकॉज दे हैव अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इन दैट यूनिवर्सिटी। सो द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ बोन एनी वेज, ये एक बेन है। कहीं की बायस होके किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ नॉट गुड। ऑल आई वॉन्ट टू से गो टू रशिया, बट गो विद ऑल द इंफॉर्मेशन। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू राइटिंग सच व्हाट्सएप मैसेजेस टू मी लेटर ऑन, सेइंग दैट वी वर गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वी वर नॉट टोल्ड अबाउट दिस। You have to find the information. Write a mail to university, ask them about their language teaching, everything. These days you can't be into this. आप किसी trap में फंसे हैं, ये इस time की बात नहीं होनी चाहिए। You should be very very informative. Also choose your university very well, and also choose your consultancy very well. So the consultancy which is gonna guide you in future, they should be very very true to their work. They should know what they are doing. They should have experience. They should have. Don't just go in getting allured.
also one of the information, those students who are right now in this university or the university which is bilingual but they didn't know before, now they want to transfer, there are informations that MCA will not accept a 6 years course to 5 years transfer. Also, please verify this information from Medical Council of India. Do not get lured by any more thing, because आप एक साल बचाने के चक्कर में अपने 6 साल बर्बाद ना कर दो, मैं ये नहीं चाहती हूँ. सो वेरीफाई करिए इन्फॉर्मेशन, ऐसे मत लीजिए एडमिशन कहीं पर भी. एम सी आई में जल्दी अपीयर करना नहीं इज़ द मोटिव. एम सी आई को जब भी अपीयर करो, उसे पास कर पाओ पहले अटैम्प्ट में, ये आपका आउटलुक होना चाहिए, ये आपका अप्रोच होना चाहिए. बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम 5 साल वाले में हो जाएगा तो मैं जल्दी एम सी आई दूंगा, तो मैं जल्दी पास कर लूँगा. नहीं, आप जो गड़बड़ करके, आप जो परेशान होकर पढ़ाई कैसे करेंगे? जो बच्चे एक यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ते हैं वो तक उन्हें भी दिक्कत आती है वन अटैम्प्ट में पास करने में. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. अभी जो स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है कहीं पर भी और सोच रहे हैं, प्लीज़ टेक अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज. डू नॉट टेक अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड बिकॉज इफ़ यू टेक अ रॉन्ग एडमिशन राइट नाउ, यू विल सफ़र लेटर, एंड देन इट विल क्रिएट अ हैवॉक इन योर माइंड, एंड this is not you, what you want, right? So with that information, I hope this video must have helped you. Thank you so much.